अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार अलसी की बिनिया, इसे फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। ये बहुत इसके बेनिफिट है, आप ज़रूर सर्दियों में बनाएं। ये जो भी आपको पेन वगैरह होती है बॉडी में, जो भी मसले मसाइल हों, वो सारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये मैंने ली है, तकरीबन 1.5 कप है। मैं थोड़ी क्वान्टिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ चने का, भुने हुए चने थे, इसे मैंने पीस लिया है, आटा बना लिया बारीक। ये इस फॉर्म में थे, आप पीस सकते हैं इसको बारीक। कई लोग आटा भी डालते हैं, गेहूं का आटा डाल लें, मैंने चने का आटा डाला है बीच में, ये थोड़ा सा डिफरेंट किया। और मैं इसमें गुड़ डालूंगी, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको मीठा पसंद है। मैंने छोटे छोटे इसके चंक्स बना लिए हैं गुड़ के, इसकी अब चाशनी भी बनाएंगे। उसमें मैं बटर डाल रही हूँ, आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। इसके साथ इलायची जाएगी, किशमिश जाएगी, नट्स अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आप पसंद करते हैं। इसमें काजू जाएगा, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है और पिस्ता है। इसके अलावा चार मगज़ डाल लें और जो भी आपने डालने डालने, वो मेरे पास नहीं थे तो मैं बना नहीं पा रही। तो चलें इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। ये गुड़ हम इसके अंदर डालते हैं, चाशनी बनाएंगे, इलायची डालेंगे इसी के अंदर ही। आप इलायची पाउडर बाद में डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास इलायची थी तो मैंने कहा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा उसके। 1 कप पानी डाल देंगे, इसे हम ऐसे हिला के अच्छी तरह से इसको पकने के लिए रखें। चाशनी हमारी रेडी होती है। इतनी देर तक हम अपनी अलसी को ड्राई रोस्ट करते हैं। सही बन गई है, मुझे था कि कम होनी है। इसे हल्की आंच पे हम भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको पीस लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सर्दी में तो ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़रूर बनाएं और सर्दी में इंजॉय करें। आप दूध का कप एक लें और छोटी सी हम गोल सी बहुत सब लाएंगे, थुन्नी उसको कहते हैं, और खाएं और ज़बरदस्त है। नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है, वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त, पूरी एनर्जी देती है आपको, और सर्दी में सर्दी वगैरह लगने का भी डर नहीं होता। ये 2 मिनट के अंदर मेरी भूख हो गई है, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं, इसी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, ये इतने इसके बेनिफिट हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी होगी। बिल्कुल आसान है और घरों को देने बच्चों को भी सारे खाने का सर्दियाँ इंजॉय कर। अलसी हमारी बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो गई है, देख सकते हैं आप, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम पीसते हैं। चाशनी हमारी बन भी गई है, बस इतना ही इसको बनाना है। तो इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम पीसते हैं। ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ज़्यादा हमने ठंडी गैस नहीं काफ़ी करनी, थोड़ी कर देंगे, इसको हम पीस देंगे। बहुत बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना हमें, थोड़ी सी मोटी मोटी रखेंगे। आप देख सकते हैं अलसी को हमने पीस लिया है अच्छा सा, बहुत ज्यादा नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा बीच में मोटा मोटा भी जाने दिया, बिल्कुल आटा नहीं बनाया। नट डालेंगे, थोड़ा सा बटर डाल लें, देसी घी डाल सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। इसमें बादाम को फ्राई करेंगे, काजू भी डाल लें, बादाम भी डाल लें, अखरोट भी डाल लें और पिस्ता भी डाल लें, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी डाल लेंगे। अब
करके हम लोग बटर के अंदर हल्का सा इसको फ्राई करते हैं ताकि क्रंची से हो जाए। मूंगफली थी ये हम बाद में करेंगे इसको, क्योंकि ये हमें पीसनी नहीं है, वो हम पीस देंगे। सारे बंद कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर था। नट्स को हम इसमें डाल के हल्का सा पीस देंगे, बहुत बारीक नहीं करना हमने। इसमें मैंने ऐसी पीसी थी उसी में नट्स को भी कर लिया। अच्छा सा इसका इस तरह का बन गया, पाउडर नहीं है, मोटा मोटा हो गया। थोड़ा मटर डालेंगे इसके अंदर, चूल्हे को बिल्कुल हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अब ये आटा डालेंगे, चने का आटा भी मैंने दिया था, इसको भी हमें हल्का सा भूनना है क्योंकि ऑलरेडी चने भुने हुए हैं, फिर भी हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। मक्खन के देसी घी डालें जैसे आपकी मर्जी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं घी जितना आपको पसंद है। मुझे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, मैंने और डाल दिया। चने का आटा था भून रहे हैं हल्की आंच पे ताकि उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और हल्की सी खुशबू आएगी जब बन जाएगा अच्छा सा। चूल्हे के बंद करेंगे, अलसी का पाउडर डालेंगे जो हमने पीसा हुआ था, उसको मिक्स करते हैं। नट्स वगैरह पीसे हुए थे वो डालते हैं। पूरा मैंने बंद कर दिया है, फिर भी गर्म है इसको डाल देते हैं। इसमें हमने जो किशमिश रखी हुई थी वो डाल देंगे और मूंगफली है जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, और चाशनी जो मैंने बनाई थी गुड़ की, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं चाशनी में। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, चाशनी मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, चूल्हा बिल्कुल बंद है, सिर्फ गर्म कढ़ाई थी इसलिए वो बेचारा ज़्यादा ही जोश में आ गया। आपने ज़रूर ट्राई करना है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर करें, ये तो आपने ज़रूर शेयर करनी है सबके साथ ताकि सब बनाएं। कभी बंदे को याद नहीं होता तो फिर याद आ जाता है कि ये चीज़ हमने बनानी है सर्दी में, तो आप ज़रूर बनाएं, इसके बेनिफिट लें। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं लेकिन मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बनाऊँगी जिसे पंजाबी में पिनी भी कहते हैं। अगर आपने खाई हुई है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने खाई है या नहीं खाई, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत हेल्दी और बहुत ताकत वाली चीज़ है। आपको जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो, कोई भी मसला हो, आपको एड़ियों में दर्द होती हो जब सो के उठते हैं आप, तो अब हम पिनियाँ शुरू करते हैं बनानी। थोड़ी सी हो गई है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमने ठंडी होने देनी, मैं छोटी छोटी सी बना रही हूँ क्योंकि वो इतनी बड़ी खाते नहीं है फिर सारी।
ऐसे ऐसे करें जोर से दबा के, इस तरह कर करके बनाते जाते हैं। पिनिया मेरी रेडी हो गई है, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसको ट्राई भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की है, इतनी सॉफ्ट जूसी और ज़बरदस्त, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।